महाराज जी, तो राहुल जी ने कहा हिंदू हिंसक होते हैं, इस पर आपका क्या बयान है? राहुल जी ने कहा है हिंदू हिंसक होते हैं। जी हमने तो सुना था कि राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान लगाते हैं, सबको मोहब्बत बांटते हैं। लगता है कि राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान में हिंदुओं के लिए सामान नहीं है। और इसीलिए मैंने देखा है कि उनकी 99 सीटें हैं और कोई भी हिंदू धर्माचार्य कांग्रेस की टिकट पे नहीं लड़ रहा है, और ना ही एक थे वो, उनको भी उन्होंने अपनी पार्टी से निकाल दिया। खैर, इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं, उनकी पार्टी है, वो कुछ भी कहें, पर एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, हिंदू कभी भी हिंसक नहीं होता है, हिंदू धर्म रक्षक होता है। और मुझे भी अभी आप वीडियो सुना रहे थे उनकी, तो उन्होंने कहा था लॉर्ड शिवा कि वो कभी युद्ध नहीं करते, वो शांति का मैसेज देते हैं। तो मैं एक चित्र लेकर आया हूँ आपके लिए, आप हो सके तो ये चित्र देख लें, आ रहा हो तो ये शिवजी हैं जिनके हाथ में पिनाक है, उनके धनुष का नाम है पिनाक, उनके हाथ में है त्रिशूल, त्रिशूल से वो जलंधर का वध करते हैं और पिनाक से वो युद्ध करते हैं। लेकिन वो युद्ध किस से करते हैं? दैत्यों से युद्ध करते हैं। भगवान श्री राम, एक और चित्र, दुष्टों का वध करते हैं। भगवान श्री श्याम सुंदर, ये देखिए, ये महाभारत का युद्ध करवाते हैं और दुष्टों का वध करते हैं। हिंदू हिंसक नहीं होता, हिंदू रक्षक होता है। हिंदू किसके लिए युद्ध करता है, हिंदू किसके लिए आगे बढ़ता है, जानते हैं? जब रावण सीता का हरण करता है तो हिंदू युद्ध करता है, जब दुर्योधन द्रौपदी का चीर हरण करता है तब हिंदू युद्ध करता है। हिंदू हिंसा नहीं करता, हिंदू बिल्कुल भी हिंसा नहीं करता। हिंदुओं को कभी भगवा आतंकवाद कह के, कभी हिंदुओं को इस तरीके से अपमानित कर, वो भी भरी सभा में, सदन में, हिंदुओं के प्रति ऐसा व्यवहार। एक आप ही की पार्टी के सांसद हैं जिनका नाम है इमरान मसूद, उनका बयान क्या था? बोटी बोटी कर देंगे, बोटी बोटी। वो शांति के दूत हैं क्या? वो शांति के मैसेंजर हैं क्या? अगर हिंदू हिंसक होता ना तो पूरी दुनिया में हिंदू का साम्राज्य होता, हिंदू का राज्य होता। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया के लोग हैं, और हमको हिंसक कहा जा रहा है, हम लोग हिंसक हैं। हिंदू कदापि हिंसक नहीं होता। आप हिंदू जानते कहां तक फैले हुए हैं? जो हमारे जैन मुनि हैं वो हिंदू हैं, हमारे सिख भाई वो हिंदू हैं, हमारे जिनको हम बौद्ध कहते हैं वो भी हिंदू ही, वहीं से सब उपज है। तो अगर आप हिंदू को हिंसक कहेंगे तो आप कह रहे हैं कि जैन हिंसक है, आप कह रहे हैं सिख हिंसक है, आप कह रहे हैं बुद्ध हिंसक है, आप कह रहे हैं ये सब सनातनी हिंसक है। इस तरीके से सार्वजनिक संसद में हिंदुओं का अपमान कतई बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है। राहुल गांधी जी, वैसे मैं कभी पर्सनल किसी पे अपना वक्तव्य नहीं देता हूं, पर फिर भी मैं आपसे कहूंगा, एज ए हिंदू धर्मगुरु होने के नाते एक बात कहूंगा कि सरासर हिंदुओं का अपमान है। और हां, उत्तर प्रदेश में ही आपकी पहली बार, मतलब पहली बार नहीं, बहुत समय बाद इतनी सीटें आई हैं, और उनमें भी बहुत सारे हिंदुओं ने आपको वोट किया है। तो क्या मतलब है कि उन हिंदुओं ने जो वोट दिया है वो हिंसक होते हैं? एक और बात बता दे, हिंदू कब जाते हैं रक्षा करने, युद्ध करने? जब हिंदुओं के मंदिर टूटते हैं ना तब हिंदू खड़ा होता है, जब हिंदुओं के सम्मान पे आंच आती है तब हिंदू खड़ा होता है। और हां, मान सम्मान, स्त्री के सम्मान के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने को हिंसा नहीं कहते, आक्रमणकर्ता को मुंह तोड़ जवाब देने को ये प्रत्येक पुरुष का पौरुष कहते हैं, हिंसक नहीं है। हम तो सबकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, हिंदू का अपमान करके ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। ना भगवा आतंकवाद होता है और ना हिंदू हिंसक होता है।